हेलो फ्रेंड्स, मूवी लवर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अकीरा कोरोसावा द्वारा निर्देशित 1952 की जापानी ड्रामा फिल्म इक्रू की शॉर्ट समरी देखते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म एक जापानी नौकरशाह की कहानी बताती है जो अपने जीवन में अर्थ खोजने की कोशिश करता है। जब उसे ये पता चलता है कि उसे पेट का कैंसर है, कांजी वाटानाबी एक सिविल सर्वेंट है। उसने 30 सालों तक एक ही डिपार्टमेंट में काम किया है। उसका जीवन उबाऊ और नीरस रहा है। फिर एक दिन उसे ये पता चलता है कि उसे पेट का कैंसर है और उसके पास जीने के लिए कुछ ही समय बचा है। यह जानकर वो कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वाटानाबी जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए बार्स डांस क्लब में जाता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका बचा हुआ समय सिर्फ इंजॉयमेंट और घूमने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ मीनिंगफुल काम करने के लिए भी है। इसके बाद वे डिसीजन लेता है कि अपनी नौकरी के माध्यम से सोसाइटी में बदलाव ला सकता है। वे बच्चों के लिए खेलने का मैदान बनाने पर जोर देता है जिसमें सरकार की वजह से देरी हो रही थी। फिल्म में डेथ एक मेजर थीम है जो वाटानाबी को जीवन का अर्थ खोजने की ओर ले जाती है। ये अकीरा कोरोसावा द्वारा बनाई गई बेस्ट फिल्मों में से एक है और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।